आप। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक ऑन पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री, वी हैव टू नो द डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्परिजन। द डिग्री ऑफ कॉम्परिजन ऑफ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द रिलेशनल वैल्यू ऑफ वन थिंग विथ समथिंग इन अनदर क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब हो गया बच्चों कि एक का दूसरे के साथ तुलनात्मक अध्ययन, और द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर द क्वालिटी विद दैट ऑफ अदर ऑफ इट्स काइंड, एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर द क्वालिटी विथ मेनी आर ऑल अदर्स। कॉम्परेटिव डिग्री जो होता है वह कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम सबके साथ में करते हैं। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, काइंड्स ऑफ डिग्रीज। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज माय डियर चिल्ड्रन। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, काइंड्स ऑफ डिग्रीज, अब इसमें देर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कॉम्परेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चों वी हैव टू स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री। व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? The positive degree of an adjective is its simple form. देखो बच्चों, इसमें एक वर्ड आया हुआ है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण कहते हैं। तो जो भी विशेषण होता है वह पॉजिटिव डिग्री के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू डेनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, यानी कि किसी के गुण के बारे में बताता है। एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री आर यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इसमें किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। The degree of comparison of an adjective describes the relational value of one thing with something in another clause of a sentence. इसको पहले ही definition में मैं बता चुका हूँ। The comparative degree of an adjective is used to compare the quality with that of another of its kind. Comparative degree जो होती है इसकी तुलना दूसरे से की, इसमें तुलना दूसरे से की जाती है। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर द क्वालिटी विथ मेनी आर ऑल अदर्स। सुपरलेटिव डिग्री की तुलना एक के साथ सब किसी साथ की जाती है। अब देखो यहां पर टिम रन्स फास्ट, टीम रन्स फास्ट। यहां पर फास्ट जो है बच्चों ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, इसमें किसी के बारे में और जिक्र नहीं है। दूसरा है टिम्स रन्स फास्टर देन जैक। अब यहां पर फास्टर में ईआर लग गया है, अब ये कॉम्परेटिव डिग्री का वर्ड है। अब इसमें जो है कि फास्टर के बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन शब्द का प्रयोग जरूर होता है। टिम रन्स फास्टर दैन जैक। अब थर्ड है पीटर रन्स फास्टेस्ट एमंग
हिज फ्रेंड। अब देखो यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा देते हैं। अगर कुछ शब्द ऐसे होते, मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ईआर और ईएसटी नहीं लगता, तो वहां पर कॉम्परेटिव उस एडजेक्टिवल वर्ड के साथ, एडजेक्टिवल वर्ड के साथ के पहले मोर लगा देते हैं कॉम्परेटिव डिग्री बनाते समय, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके पहले द मोस्ट लगा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री प्लूरल कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म्स ग्रामर द फॉर्म ऑफ एन एडवर्ब आर एडजेक्टिव मॉडिफाइड बाय मोर आर एंडिंग इन ईआर। वही बात मैंने बताया कि किसी भी एडजेक्टिव में उसको अगर हमको कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो मोर या एंडिंग इन ईआर या जिस शब्दों में मतलब कि हम ईआर लगा सकते हैं वहां पर हम ईआर लगा देते हैं। जैसे वहां ऊपर मैंने बताया है, दिख रहा है कि स्क्रीन पर फास्ट है तो फास्टर हो जाएगा। दैट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं। तो अब हम आते हैं द कॉम्परेटिव डिग्री। द कॉम्परेटिव डिग्री कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन आर थिंग, वन पर्सन आर थिंग with either and uses er or more or rather with the meaning of the adjective। इसमें देखो वही चीज भी यहां पर बताया गया है कि कुछ शब्दों के साथ, कुछ शब्दों नहीं बहुत सारे शब्दों के साथ er, और जिनकी हम जिनमें हम er या est नहीं लगा सकते, er नहीं लगा सकते, वहां पर उसके पहले more हम जोड़ते हैं और रेदर भी जोड़ते हैं विथ द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव। इंग्लिश एग्जाम्पल्स, ब्राइटर, अब ब्राइट है तो इसमें ईआर जोड़ दिया तो ब्राइटर हो गया, लेकिन आगे एक वर्ड है एक्सपेंसिव, इसमें हम ईआर नहीं लगा सकते तो इसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं। फिर आगे, इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब बच्चों हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री, तो यहां पर है आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। देखो बच्चों ऐसे जब शब्द आते हैं तो ये सब अगर इसमें अगर नॉट नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, ही का हिम का सब्जेक्ट ही होगा। तो ये सब चीजों को आप लोगों को बनाते समय एक्चुअली में दरअसल में एक्टिव पैसिव वॉइस में सब आपको पढ़ाया गया होगा कि आई है तो बदल करके उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मी हो जाएगा, अगर मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उसका जो है कि सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ही का हिम हो जाता है, उस तरह से इसमें भी चेंजेस आते हैं। एज यू कैन, जो आगे देखो, एज यू कैन probably see both sentences mean the same। देखो positive से comparative बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है, we have to keep in our mind that meaning must not be changed। Here I am saying word must, इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा शब्द है No other girl in the class is as tall as Alice।
अब देखो ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में नो शब्द पहले ही आ गया है, तो इसका मतलब हो गया इसका कॉम्परेटिव डिग्री जो है कि नेगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव में होगा। इन दिस सेंटेंस गिवन एबव कंपैरिजन इज मेड बिटवीन एलिस एंड अदर गर्ल्स इन हर क्लास यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री टॉल। अब इसमें टॉल जो है कि पॉजिटिव डिग्री, क्या है पॉजिटिव डिग्री, इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो टॉल का टॉलर हो जाएगा और टॉलर के बाद दैन जरूर लगेगा। द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव टॉलर एंड द सुपरलेटिव एडजेक्टिव टॉलेस्ट। तो यहां पर बच्चों तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए इसका रूल, नो अदर प्लस अदर वर्ड्स प्लस वर्ब प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। अब पहला है नो अदर मेटल इज सो ऑब्लिक एज यूजफुल एज आयरन। अब देखो सेकेंड साइड में जब दिया गया है आयरन इज मोर यूजफुल। देखो बच्चों यहां पर यूजफुल का अब हम कॉम्परेटिव डिग्री ईआर और ईएसटी लगा के ईआर लगा करके हम नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम उसका काम यूजफुल का कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। दूसरा है नो अदर प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सो एज इंटरेस्टिंग एज दिस। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग वर्ड जो है एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग क्या है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्ट इसमें इसका हम ई आर और ई आर लगा करके हम इसका कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको मोर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद मैंने दैन लगाया है, दैन यानी कि नियमता दैन होना चाहिए, दैन एनी अदर प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब देखिए ऊपर बच्चों सब नियम दिया गया है, क्लियर नियम दिया गया है कि अगर नो अदर है वहां पर ऊपर तो दैन के बाद एनी अदर लग जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए नो अदर बॉय इज सो ऑब्लिग एज क्लेवर एज ही। अब देखिए बच्चों इसमें क्लेवर का क्लेवरर हो गया है क्योंकि इसमें ईआर लग गया तो यहां मोर नहीं लगेगा। ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। नंबर चार नो अदर एरिया इज सो ऑब्लिक एज डर्टी एज दिस, दिस इज डर्टियर। अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान देने की बात है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी वर्ड में अगर वह एडजेक्टिव है और उसका जो है कि हमको कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो वाई उसमें से हट जाएगा, उसकी जगह पर आई ई आर हो जाता है। तो जैसे डर्टी है तो डर्टियर हो गया, प्रेटी है पी आर ई डबल टी वाई है तो इसका का उसका कॉम्परेटिव डिग्री प्रेटियर हो जाएगा, पी आर ई डबल टी आई ई आर हो जाएगा। तो यहां पर अब चूंकि इसमें ई आर लगता है तो मोर नहीं लगेगा, तो दिस इज डर्टियर देन एनी अदर एरिया। अब आगे आइए देखिए वो उसी चीज को जिसको मैंने बताया वो चीज आपको यहां मैं बता रहा हूं। इफ ए टू सिलेबल वर्ड एंड्स विथ वाई इट इज रिप्लेस्ड विथ आई ई आर। अगर वाई शब्द है
तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री बनाते समय? आईईआर से। और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आईईएसटी कर देंगे। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लिए जो है कि हमको अगर हेल्दी पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाते समय हेल्दियर HEALTHIER प्रेटी PREWTY है, एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, तो इसको कॉम्परेटिव बनाते समय प्रेटियर IER लगा देंगे। वर्ड मोर इज प्लेस्ड बिफोर द मल्टी सिलेबल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एंडिंग इन ELY। एग्जांपल्स प्रोन वर्ड है, एक्सपेंसिव वर्ड है, सीरियसली वर्ड है, स्लोली वर्ड है। तो इन सब का हम कॉम्परेटिव डिग्री ER लगा करके नहीं बना सकते, तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? मोर, मोर शब्द लगाना पड़ेगा, मोर वर्ड लगाना पड़ेगा। सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर एक्सेप्शंस ऑफ दीज रूल्स। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में उपयोग में आते हैं। जैसे गुड है, गुड, अब इसका पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर। बैड है तो वर्स हो जाएगा। इल शब्द है, इल वर्ड है, तो इसका भी कॉम्परेटिव डिग्री वर्स ही होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप अटेंशन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेमोराइज एंड यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश टीचर इन योर इन स्कूल। अब हम आ जाते हैं कि देखो कैसे पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अब देखिए यहाँ पर सब सब चीज दिया गया है, यहाँ पर अच्छी तरह से दिया गया है। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स आपके सामने हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटी इसका कॉम्परेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल इसका सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल। दूसरा वर्ड है बच्चों, देखो बहुत ध्यान देने की चीज है, बिग। अब कॉम्परेटिव डिग्री देखिए बिगर हो गया, अब कॉम्परेटिव डिग्री बिगर, उसमें डबल जी क्यों लग गया? अब नीचे ब्लैक है, उसमें भी ER लगा हुआ है और ऊपर बिग में भी ER लगा हुआ है, लेकिन वहां पर डबल जी क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि जो बिग वर्ड है उसके के अंत में जी है, जी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है। क्या है? ठीक उसके पहले सिंगल वावेल है। तो ऐसे शब्दों का जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो लास्ट का जो अल्फाबेट है वह डबल हो जाता है, बिग है, बिगर हो जाएगा। अब इसी में आप लोगों को और मैं दिखाता हूं, अब नीचे आपको वर्ड मिलेगा एक, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, थिन, THIN, जैसे बिग है वैसे थिन है। सेम अब रूल यहां भी अप्लाई होगा, थिन, THIN, इसका जो है कि थिनर हो जाएगा, THINNER, थिनर हो जाएगा। अब बच्चों फिर हम ऊपर आते हैं, अब देखिए यहां पर ब्राइट है तो इसमें ER लगेगा, ब्राइटर कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, द ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, क्लीन, क्लीनर, द क्लीनेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट, कंफ्यूज्ड। अभी देखो बच्चों आपको बता दूं, आपके योर इंग्लिश टीचर You would have told, or may have told you, might have told you that कभी कभी simple past tense
और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें जिस वर्ब में आईएनजी लग जाता है। ये कभी कभी जरूरत के अनुसार इसको एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहां पर कंफ्यूज्ड वर्ड जो है ये यहां पर सिंपल एज सिंपल पास्ट टेंस के रूप में यूज हुआ है तो इसमें ईआर नहीं लगेगा। तो इसको कॉम्परेटिव डिग्री बनाते समय मोर कंफ्यूज्ड होगा। डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव वर्ड है लेकिन इसमें ईआर नहीं लगेगा तो इसको हम बनाते समय इसको हम क्या बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री मोर डिफिकल्ट। डर्टी, जैसे बच्चों डर्टी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डर्टी, डर्टियर, द डर्टीएस्ट, वाई हटा करके आई ई आर लगा दिया और सुपरलेटिव बनाते डिग्री बनाते इसमें आई ई एस टी लगा दिया। फैसिनेटिंग, अब देखो बच्चों फैसिनेटिंग ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ड है, वर्ब में आई एन जी लगा दिया है। फैसिनेट ये वर्ड जो है कि वर्ब के रूप में यूज होता है। अब इसको में एफ ए एस सी आई एन ए टी ई लगता होता है लेकिन जब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो फैसिनेटिंग हो जाएगा, ई हट करके आई एन जी लगा देंगे फैसिनेटिंग। अब इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर फैसिनेटिंग। फेमस, अब इसका मोर फेमस, फेमस मोर फेमस। फैट, अब देखो यहां पर फास्ट उसके ऊपर फार है फार के लिए फर्दर 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 द फर्देस्ट होगा द फर्देस्ट होगा। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट फैट। अब जैसे ऊपर बिग था वही रूल यहां भी अप्लाई होगा फैट फैटर एफ ए डबल टी ई आर फैटर द फैटेस्ट। फायर्स फायरसर द फायरसेस्ट। लेट लेटर द लेटेस्ट। ओल्ड ओल्डर द ओल्डेस्ट। पुअर पुअरर द पुअरेस्ट। प्राउड प्राउडर द प्राउडेस्ट। Quiet, quieter, the quietest, sharp, sharper, the sharpest, short, shorter, the shortest, slow, slower, the slowest, small, smaller, the smallest, strange, stranger, the strangest, strong, stronger, the strongest, tall, taller, the tallest, thin, thinner, द थिनेस्ट। यहां पर द नहीं लिखा है लेकिन द आएगा बच्चों। अगली अगलियर, अब देखो फिर वही रूल यहां पर यल वाई वाई लगा हुआ है तो इसको हटा करके देखो यहां पर आई ई आर हो जाएगा और वहां पर आई ई एस टी हो जाएगा। वीक वीकर द वीकेस्ट। वाइज वाइजर द वाइजेस्ट। यंग यंगर द यंगेस्ट। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं तो यहाँ पर गुड गुड है तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट। बैड और इल दोनों के लिए कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में वर्स वर्स्ट। लिटिल जिससे हम उपयोग करते हैं लिटिल मनी तो उसके उसका कॉम्परेटिव होगा लेस लीस्ट। लेकिन इसी लिटिल को अगर साइज के रूप में उपयोग करते हैं तो हम उसका कॉम्परेटिव डिग्री होगा स्मॉलर स्मॉलेस्ट। मच और मेनी, जो मच अनकाउंटेबल हो उसके लिए मच का प्रयोग करते हैं लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट। मेनी काउंटेबल जिसको हम गिन सके उसके लिए उपयोग करते हैं मेनी मोर मोस्ट। फार प्लेस और टाइम के लिए फर्दर फर्देस्ट। फार केवल प्लेस के लिए फर्दर फर्देस्ट। लेट
later, latest, late, later, last, near, nearer, ये तो पुराने नियम का है वो तो आ गया, और nearest, old, older, oldest, old, अगर उम्र के लिए होता है, people and the things, people के लिए elder, eldest. तो बच्चों पॉजिटिव इसी तरह से आपको जो है कि इस पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव डिग्री के बारे में पहले आपको इसको अच्छी तरह से बच्चों मेमोराइज करना वो पड़ेगा, तब आप जो है कि अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई. अब इसमें देखो एज बिग एज अगर सो लगा है या आज लगा है उसके बाद वाला वर्ड जो होता है बच्चों जो है कि वो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, एडजेक्टिवल वर्ड होता है. एज बिग एज मुंबई. अब देखो इसका कॉम्पिटेटिव डिग्री होगा मुंबई इज बिगर दैन. अब देखो यहां पर बी आई डबल जी ई आर हो गया, वहां पर बिग है, यहां पर डबल जी क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले भी इसमें भी है स्लाइड शो में भी है और मैंने बताया है कि कोई भी वर्ड जिसका जो अंतिम अल्फाबेट होता है अगर वो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वाला उसके ठीक पहले सिंगल वावेल है ए ई आई ओ यू अगर है तो वो डबल हो जाता है. जैसे बिग जी कॉन्सोनेंट वर्ड है उसके ठीक पहले सिंगल वावेल है तो जो जी है वो डबल हो जाएगा. कोई भी अल्फाबेट होगा वो कॉन्सोनेंट है तो डबल हो जाएगा. बिगर हो गया मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. मारिया इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोनिया. अब देखो बच्चों एज इंटेलिजेंट एज सोनिया. अब यहां पर इंटेलिजेंट वर्ड में हम ई आर नहीं लगा सकते तो इसके लिए जो रूल ऊपर है उसके लिए क्या बताया मैंने मोर लगा देंगे. तो सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मारिया. तो देखो एक चीज और बताया मैंने अगर पॉजिटिव डिग्री का वर्ड जो है कि नेगेटिव है तो कॉम्पिटेटिव डिग्री का वर्ड अफिर्मेटिव में हो जाएगा उसमें नॉट नहीं लगेगा. अब देखो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स. बच्चों ऊपर के स्लाइड में आप लोग नो अदर के साथ अगर बॉय के साथ और नो अदर के साथ सेंटेंस शुरू होता है तो आपको क्या किस तरह से कॉम्पिटेटिव डिग्री बनाना है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का वर्ड इसके बाद दैन फिर एनी अदर. ये हो जाएगा जेम्स जो सबसे लास्ट में था वो पहले आ जाएगा. James is more intelligent than any other boy in the class. Positive degree का word. Birds do not fly as fast as the aeroplane. अब यहां पर The aeroplane flies faster than birds. Faster than birds. तो यहां पर जो है कि no other से नहीं है negation negation in the middle of the sentence है तो the aeroplane flies faster than birds. Birds बच्चों यहां नहीं आ पाया word तो इसको आप लोग ये समझ लीजिए. Very few Indian saints were as popular as Vivekanand. जब very few से लगेगा very few से शुरू होगा तो बच्चों आपको then के बाद most other Indian हो जाएगा. तो Vivekanand was more popular
पॉपुलर में ईआर और ईएसटी नहीं लगा सकते, तो इसके नाते यहाँ पर मोर लगा देंगे उसके पहले, और बाद में दैन, बाद में मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स का पॉजिटिव डिग्री। आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज वाइजर देन आई। देखो ऊपर का वर्ड नॉट लगा हुआ है तो नीचे वाले में नॉट नहीं लगेगा। राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। अब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो ये वर्ड जो है कि नेगेटिव हो जाएगा। मोहन डज नॉट वॉक फास्टर, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, यानी कि मोहन से तेज नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं कि उससे धीमा भी चलता है, उतना ही चलता है, उतना ही तेज चलता है वो। नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिग एज कलकत्ता। बच्चों अब देखो यहाँ पर बिग वर्ड फिर वापस आ गया है और नो अदर पहले लगा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर। बिग का बिगर हो जाएगा, वहां पर जो सिंगल जी है यहाँ डबल जी हो जाएगा, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ही इज एज वाइज एज सोलमन। सोलमन इज नॉट वाज नॉट वाइजर देन ही इज। बर्ड्स डू नॉट फ्लाइज, इसका तो हो गया है देन बर्ड्स। नो अदर मैन वाज एज स्ट्रांग एज हरकुलिस। तो यहां पर हरकुलिस वाज स्ट्रॉन्गर देन, नो अदर से शुरू है तो देन के बाद एनी अदर जरूर लगेगा। हरकुलिस वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। हेलो 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 जी सर। हाँ सर अभी तो हो गया, कुछ देखो किसी बच्चे कुछ पूछना है? नहीं सर किसी के कोई डाउट नहीं है, तो क्लास एंड कर देते हैं सर। ठीक ओके सर। ठीक है सर।